हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का त्यौहार अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के अवसर पर लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उनकी कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन श्री कृष्ण की जन्म कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उन पर श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर उग्रसेन नाम के राजा का शासन था। राजा उग्रसेन सरल और सज्जन स्वभाव के थे, लेकिन उनके पुत्र कंस ने सत्ता की लालसा में अपने पिता को बंदी बना लिया और खुद मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का आठवां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी संतान को मारने का संकल्प लिया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में रोहिणी नक्षत्र के दौरान भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री विष्णु ने वासुदेव को दर्शन देकर आदेश दिया कि वे बालकृष्ण को गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचाएं और यशोदा जी की नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा जाएं। भगवान विष्णु की माया से सभी कारागार के द्वार खुल गए और पहरेदार सो गए। वासुदेव ने बालकृष्ण को सूप में रखकर यमुना पार कर गोकुल पहुँचाया और वहाँ से यशोदा जी की कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की आठवीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तुरंत कारागार में आया और उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला वृंदावन में जन्म ले चुका है। यह कहकर वह अदृश्य हो गई।